हेलो स्टूडेंट्स, आर यू वन ऑफ दोज जिनको कभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, पॉलिनॉमल्स या फिर फैक्टराइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम हुई हो? चाहे आप क्लास 8th में हो, 9th में हो या 10th में हो, दीज कॉन्सेप्ट्स आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू द टॉपिक. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. देखो, या फिर आपने सिंपल x लिख दिया, या उसके अंदर कुछ ऐड कर दिया, या x से कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, या मल्टीप्लाई भी कर दिया और फिर कुछ ऐड भी कर दिया, इन सब को आप बोलते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है, मोस्टली हम जो वेरिएबल लेते हैं ना वो x, y, z ही होता है. ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम उसी के टर्म में लिखते हैं. अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने x को 2 से डिवाइड किया, फिर उसमें 3 ऐड किया, इसको भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलते हैं. ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर मैं y के टर्म्स में लिख कर दिखाऊँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो y प्लस 3 भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, या फिर x प्लस y भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होगा. लेकिन ये 2 वेरिएबल्स वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. हम यहाँ पर जो बात करेंगे ना इस वीडियो में, वो मोस्टली 1 वेरिएबल वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की होगी, जैसे ऊपर थे हमारे पास. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक. देखो, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल है क्या? टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल के अंदर हम यहाँ पर डिग्री के बेसिस पे बात करेंगे. आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ये सब के सब लीनियर पॉलीनोमियल्स है. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, x की पावर कितनी है? 1. यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1. यहाँ पर भी 1. यहाँ पर भी x की पावर क्या है? 1. तो जहाँ जहाँ आपके पास पॉलीनोमियल में x की बड़ी से बड़ी पावर 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल. ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ पॉलीनोमियल्स लिखूँगा, जैसे इन सब पॉलीनोमियल्स के अंदर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो x की बड़ी से बड़ी पावर 2 है. ठीक है, डैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स है. ठीक है, अब देखो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मैंने x स्क्वायर प्लस 3x लिखा. डैट मीन्स यहाँ पर x स्क्वायर वाली एक टर्म है और एडिशन में पड़ा है 3x. दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्योंकि x की बड़ी से बड़ी पावर आपके पास 2 है. ठीक है, अब क्यूबिक के कुछ एग्जांपल्स. अब देखो, यहाँ पर x की बड़ी से बड़ी पावर 3 है तीनों ही पॉलीनोमियल्स के अंदर. यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3 भी है, 2 भी है, लेकिन बड़ी से बड़ी पावर तो 3 है. डैट मीन्स ये सब होंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल्स. क्लियर? एक बार आपको पॉलीनोमियल्स के एग्जांपल समझ आ गए हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स ऑन डिग्री समझ आ गया, अब आपको जानना है नीड ऑफ फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन की ज़रूरत क्यों है, क्यों सीखनी है आपने फैक्टराइजेशन? ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, x प्लस 3. ये आपके पास एक पॉलीनोमियल है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पॉलीनोमियल इन x. ठीक है, जिसके अंदर वेरिएबल x है और ये एक लीनियर पॉलीनोमियल है. यहाँ पर x की क्या कोई स्पेशल वैल्यू होगी जिससे ये पॉलीनोमियल जीरो हो जाए, पॉलीनोमियल वैनिश हो जाए? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह -3 पुट कर रहा हूँ, अगर मैं x की जगह -3 पुट कर रहा हूँ, तो -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना. डैट मीन्स जब आपने x की जगह -3 पुट किया ना, पूरा पॉलीनोमियल जीरो हो गया है. इस स्पेशल वैल्यू को आप बोलते हो जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मेरा पहला एग्जांपल था. लेट अस से यहाँ पर आपके पास एक पॉलीनोमियल है x-5. ठीक है, अब x-5 आपके पास एक लीनियर पॉलीनोमियल है, तो इधर भी आप चाहते हो कि यार x की कोई ऐसी वैल्यू पता चल जाए जो इस पूरे पॉलीनोमियल को डिसअपियर कर दे, वैनिश कर दे, जीरो कर दे. तो x की जगह मैं ऐसा क्या लिखूंगा? देखो, x की जगह साफ साफ पता चल रहा है, अगर मैं +5 लिखूंगा ना, तो +5 -5 कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना. डैट मीन्स जो आपका पॉलीनोमियल था ना, उसके अंदर आपने x की जगह +5 पुट कर दिया है, तो पॉलीनोमियल ऑटोमेटिकली क्या हो गया है? जीरो. ठीक है, अब इन सब स्पेशल वैल्यूज़ के लिए हम कुछ मेथड फाइंड करते हैं. ठीक है, कि कुछ ना कुछ एक मेथड तो होगा जीरो ऑफ पॉलीनोमियल फाइंड करने का. तो हमने दोनों क्वेश्चंस में ऊपर ऑब्जर्व किया कि देर वॉज अ मेथड कि हमने उठा कर ना पॉलीनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली x की वो स्पेशल वैल्यू हमें मिल जाएगी. जैसे हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया, x प्लस 3 था, तो हमने x प्लस 3 को इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो आपने देखा ट्रांसपोज होने के बाद ना 3 चला जाएगा इधर. इसको सॉल्व कर रहे हैं हम एज एन इक्वेशन, तो x इधर रह जाएगा, 3 उधर चला जाएगा. तो 3 उधर गया तो 0-3 हो गया, इधर प्लस में था, उधर जाए किस में हो गया? माइनस में. अब अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? -3, क्योंकि जब 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो x की वैल्यू कितनी आई? -3. अब आपको मैं याद दिलाता हूँ कि आपके पास यहाँ पर भी
वो स्पेशल वैल्यू माइनस थ्री ही थी जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हुआ था। दैट मीन्स यही वो मेथड है जो आपको इनिशियली बताएगा कि एक्स की कौन सी स्पेशल वैल्यू है जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। अब एक बार दूसरे एग्जाम्पल के लिए मैं करके दिखा देता हूँ। एक्स माइनस फाइव है। अब देखो इसमें आपको जीरो फाइंड करनी है तो आपने इक्वल टू जीरो पुट किया। इसको एज एन इक्वेशन सॉल्व करोगे तो एक्स इधर रह गया, माइनस फाइव जाएगा उधर ट्रांसपोज होने के बाद प्लस फाइव। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, जीरो प्लस फाइव इज फाइव। अब ये जो आपके पास स्पेशल वैल्यू है ना, इसको आप बोलते हो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्स माइनस फाइव के अंदर एक्स की वही स्पेशल वैल्यू जिससे वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो है फाइव। क्लियर। अब कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अब इसके लिए आपको एक्स की वो स्पेशल वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको भी इक्वल टू जीरो पुट कर रहा हूँ। जैसे मैंने लीनियर में किया था, स्टेप वन मेरा वही रहने वाला है हर जगह। अब एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो मैंने जब पुट किया ना, तो आपके पास सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर इधर रह गया और माइनस नाइन जब उधर गया तो जीरो प्लस नाइन हो गया। क्लियर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन। और अगर एक्स स्क्वायर नाइन है ना, एक्स की आप वो वैल्यू ईजिली निकाल सकते हो बाय स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट किया तो राइट साइड भी स्क्वायर रूट नाइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तो होता है एक्स। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, तो अगर पावर हाफ कर रहे हो और अंदर पावर स्क्वायर थी तो कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा तो एक्स है ना। ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ नाइन क्या होता है, ये वैल्यू है थ्री। ठीक है, क्योंकि नाइन को आप लिख सकते हो थ्री का स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर रूट ऑफ नाइन करोगे तो ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ भी कैंसिल आउट होएगा और आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी थ्री। तो एक्स की वैल्यू थ्री आती है, बट एक यहाँ पर ट्विस्ट है, ये दो वैल्यूज आएंगी, ये प्लस थ्री भी हो सकता है और माइनस थ्री भी हो सकता है, इसी वजह से हम लिखते हैं प्लस माइनस थ्री। तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी प्लस थ्री और माइनस थ्री, जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है। अब इसको हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। देखो, अगर यहाँ पर मैं बात कर रहा था दो वैल्यूज़ की, ऐसी स्पेशल वैल्यूज़ की जो आपके पास इस पॉलिनोमियल को जीरो करता है, तो एक्स की जगह अगर मैं प्लस थ्री पुट करता, नाइन माइनस नाइन दैट इज़ ज़ीरो, क्योंकि थ्री का स्क्वायर नाइन होता है। ऐसे ही आप अगर माइनस थ्री पुट कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन, तो आपको पता चलता है यार ये भी आपके पास नाइन माइनस नाइन ज़ीरो आया, क्योंकि माइनस थ्री का स्क्वायर भी कितना होता है, नाइन होता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि ये जो मेथड है ना, ये आपके पास क्वाड्रेटिक के लिए भी वर्क करता है। बट अब फैक्टराइजेशन की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमारा टॉपिक था नीड ऑफ फैक्टराइजेशन। देखो, जब हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस में इंडल्ज करते हैं ना, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और इसके अंदर x की वो वैल्यू ढूंढते हैं जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, यहीं पर हमारे पास एक्चुअल में नीड ऑफ फैक्टराइजेशन है। क्योंकि देखो, विदाउट फैक्टराइजेशन ना आप कर ही नहीं पाओगे। ट्राई करो, आप इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो। जैसे ही आपने इसको इक्वल टू जीरो पुट किया ना, आप देखोगे कि यार 3x स्क्वायर प्लस 5x अगर एक साइड में मैं रखता भी हूँ और 2 को उधर भी लेकर जाता हूँ, जो आपने पहले किया था, ट्रांसपोज किया था ना आपने माइनस नाइन को उधर, डैट मीन्स अकेला किया था वेरिएबल को। यहाँ पर भी आप वही कोशिश करते हो, बट एक्चुअल में एक्स सेपरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स हैं एक्स वाली। ठीक है, आइसोलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसी वजह से आप यहाँ पर x की कोई वैल्यू ऐसे तो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरत होती है फैक्टराइजेशन की। ठीक है, दैट मीन्स वी नीड फैक्टराइजेशन टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन होता क्या है, तो वट आर फैक्टर्स। सबसे पहले तो ये समझो कि अगर एक मैं नंबर लिखता हूँ 6, तो इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ क्या प्रोडक्ट की फॉर्म में? बिल्कुल कर सकता हूँ, 3 × 2 = 6 होता है। तो 3 और 2 जब मैंने ब्रेक डाउन कर दिया ना, ये एक्चुअल में दो फैक्टर्स आए हैं, फैक्टर 1 और ये आया फैक्टर 2। किसके फैक्टर्स हैं? 6 के। ठीक है, अब इस चीज़ को समझो कि किसी नंबर को अगर आप मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखते हो या फिर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हो, तो जो दो पार्ट्स हैं ना, उनको आप फैक्टर्स बोलते हो 6 के या उस नंबर के। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। लेटर से मेरे पास वो था 12, उसको मैंने ब्रेक किया, 2 × 2 = 3 आएगा। 12 को आप ब्रेक करके देख सकते हो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो 12 लिखा, 2 आया, फिर 2 6 12 होता है, फिर 2 आया, फिर 2 3 = 6 होता है, फिर 3 1 = 3 होता है, तो 2 × 2 = 3 आया। तो यहाँ पर मैंने लिखा 12 = 2 × 2 = 3। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि दो टाइप के फैक्टर्स आए हैं, एक तो 2 टाइप का फैक्टर है और एक 3 टाइप का फैक्टर है। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं किसके?
ट्वेल्व के। एक और चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि दो फैक्टर्स सेम भी हो सकते हैं। तो आए तो यहाँ पर तीन फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं। अब ऐसा ही कुछ अगर हम पॉलिनॉमल्स में करें तब क्या होता है? देखो एक्स स्क्वायर है, क्या मैं एक्स स्क्वायर को फैक्टराइज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं इसको एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ, क्लियर है? ईजी था, बहुत ईजी था। एक्स क्यूब आया तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो ऐसे तो मैं किसी के लिए भी कर सकता हूँ, तो क्यों इतनी ज़्यादा आपके पास हवा है कि फैक्टराइजेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, आप क्या मेथड्स यूज़ करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा? क्योंकि हर बार ना ये इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं पड़े होते हैं, ठीक है? यू कैन गेट एन एग्जांपल जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। अब ऐसे क्वेश्चंस को हमने सीखना है, ठीक है? तो उन मेथड्स को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड्स। लेट्स स्टार्ट विद देम, फैक्टराइजेशन मेथड्स होते क्या हैं? देखो आई हैव मेड थ्री कैटेगरीज जो एक्चुअल में फैक्टराइजेशन मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताना चाहूँगा। जैसे पहली कैटेगरी है टेकिंग कॉमन, ठीक है? दूसरी कैटेगरी है बेसिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर, तो बेसिक आइडेंटिटीज़। तीसरी आपके पास कैटेगरी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, MTS, ठीक है? अब मैं इनको एक एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कब कब इनका यूज़ होता है। देखिए टेकिंग कॉमन हम कब यूज़ करेंगे, पहले मैं इसमें कुछ बाइफर्केशन कर देता हूँ। अब इन फैक्टराइजेशन के मेथड को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, सबसे पहले टेकिंग कॉमन वाला मेथड कब यूज़ होगा फैक्टराइजेशन में? देखो यहाँ पर मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोम में लिख रहा हूँ, जैसे रूट सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, ठीक है? अब ऐसे एग्जांपल में हम टेकिंग कॉमन का मेथड कैसे यूज़ करेंगे वो हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स हैं, रूट सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, और आपको यहाँ पर फैक्टराइज करना है। डैट मीन्स कुछ इस तरीके से लिखना है कि दो वेरिएबल फैक्टर्स पड़े हों, है ना? अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, क्या रूट सेवन और फाइव में कुछ कॉमन है? नहीं, कोफिशियंट्स में तो कुछ कॉमन नहीं है। बात करते हैं वेरिएबल्स की, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, क्या इसमें कुछ कॉमन है? हाँ, आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन आ रहा है, डैट मीन्स आपके पास यहाँ पर कॉमन आएगा एक्स। अब एक बार एक्स कॉमन आता है तो आप रूट सेवन एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करके देख लो, रूट सेवन एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करके देखना है, क्योंकि आपने जो कॉमन लेना है ना वो एक्चुअल में नीचे आएगा और जिसमें से कॉमन लेना है वो ऊपर आएगा। तो आपके पास यहाँ बचेगा रूट सेवन इंटू एक्स, ब्रैकेट लगाया तो पहले लिख दोगे रूट सेवन इंटू एक्स। तो प्लीज़ इस चीज़ का खास ध्यान देना कि कॉमन लेने के लिए आपको क्या करना है, जिसमें से कॉमन लेना है उसको जिससे कॉमन लेना है उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने रूट सेवन एक्स लिख लिया, ठीक है? अब सेकंड टर्म देख लेते हैं। देखो सेकंड टर्म में माइनस फाइव एक्स को आपने एक्स से डिवाइड करना है, तो आपको पता है माइनस फाइव एक्स को अगर मैं एक्स से डिवाइड करूँगा ना तो यू कैन राइट एज माइनस फाइव। तो देखो दो फैक्टर्स तैयार हैं, एक फैक्टर आया आपके पास एक्स और दूसरा फैक्टर आया आपके पास रूट सेवन एक्स माइनस फाइव, क्लियर? इस फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब बेसिक आइडेंटिटीज़ का यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 100 एक्स स्क्वायर माइनस 81। यहाँ पर 100 एक्स स्क्वायर को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ ना तो कुछ इस तरीके से करूँगा। देखो अब देखो यहाँ पर 100 एक्स स्क्वायर माइनस 81 को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। 100 एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 10 एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 100 एक्चुअल में 10 का स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होता है, तो मैंने होल में लिख दिया 10 एक्स का स्क्वायर, और 81 कैन बी रिटन एज 9 का स्क्वायर, है ना? अब 10 एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया पहले तो, ठीक है? अब इसको हमने करना है फैक्टराइज। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप इसको आइडेंटिटी का यूज़ करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हो, पहली बात, ठीक है? अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हो तो यहाँ पर भी मैं 10x प्लस 9 और 10x माइनस 9 की फॉर्म में इसको भी लिख सकता हूँ, ठीक है? बट यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि आपको ए और बी की वैल्यू पता हो। जैसे 100x स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो 10x का स्क्वायर, तो यहाँ पर ए क्या रहेगा? ए वो है जो एक्चुअल में जिसका स्क्वायर पड़ा है, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर पड़ा है? 10x का। 100x वॉज नॉट ए, 10x इज ए, 81 वॉज नॉट ए बट 9 इज ए। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं 10x प्लस 9 इंटू 10x माइनस 9 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ऊपर मैं रिजल्ट लिख देता हूँ कि अगर आपने आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है तो कुछ ऐसा एक एग्जांपल आएगा जिसमें 10x प्लस 9 और 10x माइनस 9 की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। अब बात रहती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कैसे क्वेश्चंस का आप मतलब कहाँ पर यूज़ करते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को? अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीन टर्म्स हैं,
एक्स की पार एक जगह टू है, एक्स की पार एक जगह वन है और एक जगह एक्स है ही नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में आप यूज़ करते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्लियर है? अब ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, इसका मतलब है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कितनी वैल्यूज में? दो वैल्यूज में। अब ध्यान देना, सबसे पहला स्टेप यही रहता है कि मैं कंपेयर करता हूँ इसको किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। क्लियर है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स तो प्रेजेंट है, तो ए बी सी की टर्म्स क्या होंगी? ध्यान देना प्लीज़, एक्स स्क्वायर के साथ ए पड़ा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ थ्री पड़ा है, तो मुझे पता चला ए तो थ्री है। क्लियर? अब देखना, एक्स के साथ बी पड़ा है, यहाँ एक्स के साथ फाइव है, डैट मीन्स बी यहाँ पर फाइव है। उसके बाद कॉन्स्टेंट यहाँ पर सी अलग से पड़ा है, तो यहाँ पर टू है, तो सबसे पहले लिख लो कि सी थ्री है। तो ये जब तीन चीज़ें पता चल गई है ना आपको, सी टू है, सॉरी माई फॉल्ट, सी यहाँ पर टू है, कांस्टेंट टर्म जो लास्ट में पड़ी है वो टू है। अब जब ये तीन चीज़ें आपको पता चल गई है ना, आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब फाइव को स्प्लिट करना है, दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्लियर? अब कैसे स्प्लिट करना है प्लीज़ ध्यान से समझना। दो पॉइंट्स हैं यार, इनको ऐड करके आना तो बी ही चाहिए, क्योंकि आपने इसी को स्प्लिट किया है, ठीक है। सेकेंडली, इनको मल्टीप्लाई करके ना इनका प्रोडक्ट ए सी आना चाहिए, इतना ध्यान रखना, दिमाग में ये बात बिठा लेना, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसी को स्प्लिट करना है दो वैल्यूज़ में, ऐसी वैल्यूज़ हों जिनको ऐड करके तो वापस बी ही आए, डैट मीन्स इस क्वेश्चन में फाइव ही आए, बट उन्हीं दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ए सी आना चाहिए। ए सी का मतलब थ्री इंटू टू, इस क्वेश्चन में वो सिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस है कि भाई डैश प्लस डैश इज इक्वल टू फाइव, और दूसरी कंडीशन है डैश इंटू डैश दिस इज इक्वल टू थ्री इंटू टू सिक्स। क्लियर? अब इस कंडीशन को हम थोड़ा एक्सप्लॉयट करते हैं कि मैं कैसे करूँगा, कैसे निकालूंगा वो दो वैल्यूज। हम इसके लिए करते हैं फैक्टराइजेशन। किसकी फैक्टराइजेशन? सिक्स की। सिक्स की फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास आएगा टू थ्री दो सिक्स, थ्री वन दो थ्री। तो सिक्स को जो आप लिखोगे ना टू इंटू थ्री, आपको पता चल रहा है यार ये तो वही दो वैल्यूज़ हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके सिक्स आ रहा है, तो यहाँ पर एक टू लिख दिया और एक थ्री लिख दिया। बट क्या इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके फाइव भी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो आपने वो वैल्यूज़ ढूंढ ली हैं, एक जगह आपके पास प्लस टू आया, दूसरी जगह आपके पास प्लस थ्री आया, तो यहाँ पर आपने क्या किया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव की जगह लिखा थ्री प्लस टू। क्लियर? तो इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आपने फाइव को स्प्लिट कर दिया दो वैल्यूज़ में, प्लस थ्री और प्लस टू। क्लियर? अब इस केस के अंदर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस टू एक्स को आपने लिखा थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू, सिर्फ आपने स्प्लिट फॉर्म में लिख दिया, आपने थ्री को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और टू को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है तो मुझे बताओ, क्या पहली दो टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है? आ रहा है, थ्री भी कॉमन आ रहा है और एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो प्लीज़ मैंने यहाँ कॉमन ले लेना है कुछ इस तरीके से, थ्री एक्स स्क्वायर को थ्री एक्स से डिवाइड करना है। अब अगर मैं रफ कॉलम का यूज़ करूँ और थ्री एक्स स्क्वायर को थ्री एक्स से डिवाइड करूँ, थ्री से थ्री कैंसिल आउट होएगा और एक्स की पार वन आ जाएगी, तो थ्री एक्स कॉमन आने के बाद इसको इससे डिवाइड करने के बाद बचता है एक्स की पार वन। एक बार इतना हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ थ्री एक्स को थ्री एक्स से डिवाइड करने के बाद वन आएगा, करके दिखा देता हूँ, थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स वी गेट वन। तो कुछ इस तरीके से आपके पास पहली दो टर्म्स में से आ गया है कॉमन। अब बची बाकी दो टर्म्स, टू एक्स और टू, क्या इनमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 2x प्लस टू में से 2 कॉमन आ रहा है। तो आपके पास 2x में से 2 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा? ऑफ कोर्स इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x, और जब 2 में से 2 कॉमन लोगे आपके पास 1 बचेगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा प्लस 1। क्लियर है? तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो आपके पास जो स्टेप बनता है वो है कुछ इस तरीके से, 3x into x plus 1 plus 2 into x plus 1। यहाँ पर x plus 1 दोनों जगह आ रहा है, और अगर x plus 1 दोनों जगह आ रहा है ना, तो कुछ इस तरीके से आप कॉमन लोगे और यहाँ पर बचेगा 3x plus 2। मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से x plus 1 कॉमन लेना है, x plus 1 एक बार लिख दिया, जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख दो, मतलब x plus 1 को छोड़कर। अब x plus 1 को अगर मैं छोड़ देता हूँ ना, इधर बचेगा 3x, मैंने लिख दिया, फिर plus 2 वो भी मैंने लिख दिया, दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसके अंदर तीन टर्म्स होती हैं, एक जगह एक्स स्क्वायर है, एक जगह एक्स है और एक जगह कॉन्स्टेंट है। क्लियर है? अब कुछ एडवांस एग्जाम्पल ले लेते हैं जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे ही बेस्ड है। देखो अब ये अगला एडवांस्ड एग्जाम्पल है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी
इंटू एक्स प्लस बी सी। अब इसको हमने करना है फैक्टराइज यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि इसके अंदर भी तीन ही टर्म्स हैं और उसके अंदर एक्स स्क्वायर, एक्स और एक कॉन्स्टेंट वाले टर्म है, ठीक है। तो इसमें अगर आप आइडेंटिफाई करते हो कि एक्स स्क्वायर पड़ा है तो कैपिटल ए क्या है, ए बी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल ए इज़ ए बी। उसके बाद कैपिटल बी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, कैपिटल बी मतलब जो एक्स के साथ पड़ा है, एक्स के साथ क्या पड़ा है, बी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म कैपिटल सी यहाँ पर क्या है, बी इंटू सी, तो कैपिटल सी मैंने लिख दिया बी इंटू सी, क्लियर। अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं एमटीएस में, कि आपको ब्रेक करना होता है सेकेंड टर्म को, कैसे ब्रेक करना होता है, दो टर्म्स में जिनको ऐड करके तो वापस यही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके ए सी आए, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर ए इंटू सी है क्या, पहले तो ये निकाल दो, ए इंटू सी मतलब ए बी इंटू बी सी। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ ए बी इंटू बी सी को, ए बी दो बार आ रहा है तो बी की पावर टू हो गया और उसके बाद सी अकेला रह गया, क्लियर है। तो ए बी स्क्वायर सी आया, तो क्या ऐसी मैं दो टर्म सोच सकता हूँ जिनको मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वायर सी आएगा, बिल्कुल यही तो वो दो टर्म्स हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि भाई अगर मैं एक जगह लिख दूँ बी स्क्वायर और दूसरी जगह लिख दूँ ए सी, ठीक है, यही तो वो दो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी स्क्वायर सी आएगा। ध्यान से देखो ए सी इंटू बी स्क्वायर क्या होता है, ए सी बी स्क्वायर, है ना, डैट मीन्स ए बी स्क्वायर सी, ऑर्डर अरेंज करना सिर्फ और कुछ नहीं। डैट मीन्स यही दो वो वैल्यूज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा ए बी स्क्वायर सी। अब इनको मैं यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, देखो कैसे करेंगे। मैं सिर्फ ओपन कर रहा हूँ, मतलब ए बी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म को मैंने ओपन किया तो आपके पास आया बी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी एक्स प्लस बी सी। तो कॉमन ले हुए तो वहाँ पर कॉमन क्या आएगा, देखो पहली दो टर्म्स में आपके पास कॉमन आ रहा है एक एक्स और एक बी, दोनों कॉमन आ रहे हैं तो आपने लिख दिया बी एक्स, ठीक है। इसमें से बी भी कॉमन आ गया और एक्स भी कॉमन आ गया, तो बचा क्या, देखो एक तो ए बच जाएगा और एक एक्स की पावर वन बच जाएगी क्योंकि बी तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर मैं लिख दिया ए एक्स, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको इससे डिवाइड किया तो ए एक्स आएगा। नेक्स्ट, अब बी स्क्वायर एक्स को बी एक्स से डिवाइड किया, एक्स से एक्स कट गया, बी स्क्वायर से बी कट गया, तो आपके पास बचेगा प्लस बी। तो पहले दो में से अगर मैंने कॉमन लेना था मैंने कॉमन लेकर लिख दिया। अब नेक्स्ट टू में हम एम टी एस में कॉमन लेते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। देखो सी कॉमन आ रहा है दोनों में तो सी लिखूंगा, और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा तो मैंने सी कॉमन ले लिया। सी कॉमन आने के बाद सी से सी कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या ए एक्स, और यहाँ पर सी कॉमन आया तो आपके पास बचेगा बी, तो प्लस बी। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी दोनों जगह आ रहा है, डैट मीन्स ए एक्स प्लस बी आप यहाँ पर लिखने वाले हो। अगर इसको आप अवॉइड करते हो तो क्या क्या लिखा जाएगा, बी एक्स प्लस सी लिखा जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बी एक्स प्लस सी। तो ये आपकी हो गई है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। एक बार अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ। ऐसे एक रूट वाला क्वेश्चन भी लेकर देख लेते हैं स्प्लिटिंग, देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, जहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब रूट थ्री, तो यहाँ लिख दूंगा मैं रूट थ्री। बी है यहाँ पर 10, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बी इज इक्वल टू 10। वट इज सी, सी है यहाँ पर 7√3। एक बार आपने ये तीन वैल्यूज लिख देना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बी को स्प्लिट करना है। किस फॉर्म में स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि ये दो जो वैल्यूज है ना, ये जो दो वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आना चाहिए ए सी। अब ए सी यहाँ पर है क्या, हेयर ए इंटू सी इज √3 × 7√3। रूट थ्री को 7√3 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखो। देखो रूट वाले टर्म अगर रूट से मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे सेम लिखा हुआ है ना, डैट मीन्स अंडर सेम लिखा हुआ है, तो √3 × √3 बिकम्स 3, ठीक है। 7 तो अकेला ही पड़ा था, √3 × √3 तो 3 हो गया जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और 7 साथ में आ गया, डैट मीन्स इसका आंसर आएगा 21। तो जो ए सी है उसकी वैल्यू तो आ गई है 21। तो आपको ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आता हो, 21 आता हो, ठीक है। मैं वापस से बताता हूँ, 10 को ऐसे स्प्लिट कर दो कि उनको ऐड करके तो 10 ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके कितना आए, 21। अब देखो वो वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, क्या मैं 10 को ऐसे नहीं लिख सकता 3 और 7, डैट इज़ 3 + 7, क्योंकि अगर मैं 3 और 7 को ऐड करूँगा तो वापस से 10 बनने वाला है, और 3 और 7 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनने वाला है, 21, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर 10 की जगह ना लिखने वाला हूँ 3 और 7,
ध्यान देना, स्क्वायर प्लस 10 की जगह मैंने लिखा 3 प्लस 7, एक्स प्लस 7 रूट 3। यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा आफ्टर वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देम, तो पहले मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3x आ गया, 7 को एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7x आ गया, प्लस 7 रूट 3। पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ x कॉमन आ रहा है, और रूट 3 और 3 में से भी रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा रूट 3x। रूट 3x स्क्वायर में से रूट 3x अगर मैं डिवाइड करता हूँ, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल, तो आपके पास बचा x, क्लियर। उसके बाद रूट 3x को, सॉरी 3x को रूट 3x से डिवाइड करना है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 3 को जब रूट 3 से डिवाइड करोगे ना, जब 3 को रूट 3 से डिवाइड करते हो वी गेट रूट 3, ठीक है, तो आपके पास रूट 3 बच जाएगा। यहाँ पर ये दो टर्म्स की हमने कर ली है बात, अब रह गई ये दो टर्म्स, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 7, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस 7। 7x में से 7 अगर कॉमन आता है तो बचता है x, 7 रूट 3 में से 7 कॉमन आता है तो आपके पास बचता है रूट 3। डिवाइड करके देख लो, ईजी है, 7x को 7 से डिवाइड कर लो x बचेगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 रूट 3 को 7 से डिवाइड करके देख लो, ऑफकोर्स आपके पास कितना बचेगा, रूट 3। अब देखो ये दो चीज़ें वापस से रिपीट कर रही हैं, तो x प्लस रूट 3 तो आप लिख लोगे अलग से, है ना, क्योंकि ये कॉमन आ गया, बचा क्या, रूट 3x बचा और प्लस 7 बचा, तो यहाँ पर लिख दिया रूट 3x प्लस 7। तो ये है आपकी फैक्टराइज्ड फॉर्म। थैंक यू। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.